Hello, I am Rakesh Singhal, Research Analyst. I welcome to our channel Tax for Wealth. आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स की, इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स इन मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर में भी हम बात करेंगे एल्युमिनियम सेक्टर की। तो एल्युमिनियम सेक्टर में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, आज हम उस पर बात करेंगे। इसके लिए सबसे हमें क्या करना होगा, आज हम देखते हैं कि आप लोग इन्वेस्ट करते होंगे स्टॉक्स में, लेकिन कई बार पैसा डूब जाता है आपका, तो उसके लिए, उससे बचने के लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज इस सेक्टर के लिए मैं आपको कुछ सेक्टर की बारीकियां बताऊंगा कि सेक्टर में हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस सेक्टर में कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मेटल सेक्टर क्यों, भाई मेटल सेक्टर इसलिए कि मेटल सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर होता है, और मेटल सेक्टर में जब साइक्लिकल सेक्टर होता है इसमें प्राइसेस अप और डाउन रहते हैं, प्राइसेस अप और डाउन रहते हैं। तो अभी क्या चल रहा है, अभी एक अपने पास चार्ट है 10 साल का एल्युमिनियम का, तो 10 साल का जो चार्ट है ये कहता है अभी 2018 में इसने प्राइस को पीक किया था, और आज की डेट में 2020 में ये प्राइसेस डाउन हैं, और अब ये प्राइस धीरे धीरे ट्रेंड इसका रिवर्स हो रहा है। तो ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में एल्युमिनियम सेक्टर में अच्छी तेज़ी आ सकती है, तो और आप इसमें इन्वेस्ट करके स्टॉक्स में अच्छा पैसा बना सकते हैं। अच्छा, इसके लिए ये चार्ट आप देख रहे हैं, आपको ये चार्ट पे पता चल रहा है कि हाँ ये सेक्टर में तेज़ी आ सकती है, लेकिन इसके कारण क्या हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। इसके कारण ये हैं कि सबसे पहले तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा यूएस चाइना ट्रेड डील साइन हुई है, तो और चाइना जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो अगर ये यूएस चाइना ट्रेड डील जो साइन हुई है उसके बाद से यूएस में चाइना में कंजम्पशन बढ़ेगा, स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ये तो बड़ा सिंपल सा वो है, ठीक है। इसके बाद अब आप कह सकते हैं कि भाई एल्युमिनियम सेक्टर ही क्यों, तो एल्युमिनियम सेक्टर ही क्यों, यस इस सेक्टर में ही क्यों हम बात करें, आप सीधे कंपनीज पे बात कीजिए। तो देखिए, कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हमें पहले सेक्टर को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जो आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले उस सेक्टर को समझना होगा, उस सेक्टर में किस तरीके से प्रोसेस होता है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कौन कौन सी कंपनी किस किस तरीके के काम करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, क्या उनका आउटपुट है, क्या उनका सेल है, वो सब सारी चीज़ें हम समझ लेंगे तो फिर हमें कंपनी को समझना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सेक्टर को समझना होगा। अब सेक्टर को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं। देखिए, एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के लिए एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले माइनिंग होती है बॉक्साइट की, बॉक्साइट की जो माइनिंग होती है उसको प्रोसेस करके एल्युमिना बनता है, उस एल्युमिना को फर्दर स्मेल्टिंग किया जाता है, यानी कि उसको पिघलाया जाता है, और पिघला करके जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है एल्युमिनियम। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब इस उसके बाद उस एल्युमिनियम से डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, फ्लैट, रोल्ड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं जो आपके कई सारे सेक्टर में यूज होते हैं। तो अब इसमें दो तरह की कंपनी हम कह सकते हैं, एक कंपनी होती है अपस्ट्रीम कंपनीज, अपस्ट्रीम कंपनीज यानी कि जो वो कंपनियाँ जो माइनिंग करती हैं और माइनिंग के साथ साथ रिफाइनिंग करती हैं उस बॉक्साइट को एल्युमिना बनाने में और एल्युमिना से एल्युमिनियम बनाने में। दूसरी कंपनी वो होती हैं उस एल्युमिनियम से फ्लैट प्रोडक्ट, रोल प्रोडक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती हैं और वो मार्केट में सेल करती हैं, तो इनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम कंपनीज। तो ये दो तरह की कंपनी होती हैं। अब इसके बाद इस सेक्टर को समझने के लिए कुछ की पैरामीटर होते हैं, वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात आती है साइक्लिकलिटी, जो हमने शुरू में भी बताई थी आपको कि साइकिल, हर एक मेटल में साइकिल होता है, ये साइक्लिकल सेक्टर होता है, क्योंकि हर तीन साल में, दो साल में, चार साल में प्राइसेस अप होते हैं तो डाउन आ रहे होते हैं, डाउन होते हैं तो अप जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होता है। तो आज की डेट में जब हमने पहले ही आपको डिस्कस किया कि ये जो प्राइसेस हैं अब आने वाले टाइम में एल्युमिनियम के ऊपर जाने वाले हैं, तो इसलिए अभी इस सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, डिमांड। इंडिया में अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया में आने वाले टाइम में जिस तरीके से ग्रोथ, जो हमारी गवर्नमेंट का फोकस है ग्रोथ पर, उसके लिए हाउसिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, पावर पे जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है, उन सारे सेक्टर पे गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो उससे
एल्युमिनियम की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि एल्युमिनियम के जो मेजर जो सेक्टर जो है कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा तो पावर सेक्टर होता है, उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके बाद हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसके बाद एरोस्पेस सेक्टर यानी एयरलाइन सेक्टर। ग्लोबली एल्युमिनियम की डिमांड एयरलाइन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो एयरलाइंस में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एयरप्लेन्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके बाद आती है पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्री भी एक एल्युमिनियम की बहुत बड़ी कंज्यूमर है, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत सारे, कहीं भी हम, आप जैसे कहीं खाना ले जाते हैं, लंच ले जाते हैं, तो आप देखते हैं फॉयल पेपर एल्युमिनियम यूज होता है। तो ये पैकेजिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी कंज्यूमर है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसको देखते हुए। इसके बाद आती है कंपनी की कि कौन सी कंपनी है जिसके बाद इंटीग्रेटेड एडवांटेज। इंटीग्रेटेड एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो कि माइनिंग भी कर रही हैं, उसको प्रोसेस भी कर रही हैं, एल्युमिना भी बना रही हैं, एल्युमिनियम भी बना रही हैं, उससे प्रोडक्ट भी बना रही हैं आगे, ठीक है। तो अगर एक ही कंपनी सारे काम कर रही है तो उससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल भी अपना ही है और फिनिश प्रोडक्ट भी अपना ही है। कुछ कंपनी ऐसी हैं, तो ऐसी कंपनी को हमें देखना होगा कि भाई ये कौन सी कंपनी है। जैसे आज की डेट में इंडिया में दो ही कंपनियां हैं, हिंडालको और नालको, जो इस तरह के इंटीग्रेटेड प्लेयर हैं, मेजर इंटीग्रेटेड प्लेयर जो हैं वो दो हैं। उसके बाद आती है तीसरा जो हमारा पैरामीटर होता है वो होता है ऑपरेटिंग मार्जिन। कौन सी कंपनी ऐसी हैं जो कि अपनी कॉस्ट मिनिमाइज कर सकती हैं, क्योंकि इस सेक्टर में, एल्युमिनियम सेक्टर में जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट होती है, मेजर जो कॉस्ट होती है वो होती है पावर और लेबर। तो पावर, हम कौन सी ऐसी कंपनी है, हमें देखना होगा कि उनके प्लांट्स जहाँ भी कोल है वहाँ के आसपास हैं, क्योंकि उससे जिससे उनको पावर सस्ती मिलेगी, या कहीं पावर प्लांट्स हैं उनके आसपास उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो ऐसी कंपनी हमें देखनी होगी कि उनके प्लांट्स कहाँ हैं, तो उससे उनकी कॉस्ट कम होगी, या कहाँ लेबर इंटेंसिव एरिया में हैं तो जहाँ से कि उनको लेबर सस्ती मिल सके उस एरिया में उनके प्लांट, तो उससे उनकी कॉस्ट कम होगी, तो उससे उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड होंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये एक मेजर फैक्टर होता है। इसके बाद नॉर्मल एक फैक्टर है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आप लोग जानते हैं पीई और पीबीवी, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस बुक वैल्यू रेशियो, यानी कि कंपनी किस हिसाब से अर्निंग कमा रही है उसके हिसाब से उसका प्राइस क्या है, और क्या कंपनी की बुक वैल्यू है यानी एसेट्स की जो बुक वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उसका प्राइस क्या है, तो ये एक मेजर फैक्टर होता है। तो इस तरीके से हम इस एल्युमिनियम सेक्टर को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर कंपनीज की। सबसे पहला नाम आता है हिंडालको। इंडिया में अगर हम एल्युमिनियम सेक्टर को देखें तो एक बड़ी आसान सी चीज़ है इसमें चुनने के लिए, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं है हमारे पास। दो कंपनियां हैं हिंडालको और नालको, जो कि टोटल मार्केट कैप का 80% करीब वो कवर करती हैं, बाकी सब छोटी छोटी कंपनीज हैं। तो हम अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो मेजरली हमें दो कंपनीज पर फोकस करना होगा, हालांकि मैं और दो तीन कंपनियां और आपको बताऊंगा। तो हिंडालको जो कंपनी है वो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, यानी कि उसको माइनिंग, उसके अलावा एल्युमिनियम, उसके बाद प्रोडक्ट्स, बिलेट्स, रोल्ड प्रोडक्ट्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स, सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे बनाती है वो। सेम वे नेल्को भी ऐसी ही कंपनी है जो कि इस तरीके की एल्युमिना, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, उसके पास माइनिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से उसके पास माइनिंग काफ़ी अच्छी है और वो सारे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। उसके अलावा अभी इन्होंने विंड पावर जनरेशन का भी काम इसमें साथ में शुरू किया हुआ है। इसके बाद एक और कंपनी आती है आरफिन इंडिया। ये बेसिकली एल्युमिनियम के रोल्ड प्रोडक्ट्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स, जो कि केबल, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होते हैं वो बनाती है। एक और कंपनी है पीजी फॉयल्स, ये फॉयल्स का काम करती है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इन फॉयल्स में है, और इसके जो मेजर जो कंज्यूमर है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। इसके अलावा एक और कंपनी है मान एल्युमिनियम, ये भी इस तरह के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कई सारे सेक्टर में यूज होते हैं, कंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग में। तो अभी तक हमने समझा एल्युमिनियम सेक्टर और उसकी कंपनीज़ को। अब हम कंपनीज़ के वैल्यूएशन की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यूएशन कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हिंडालको है, सबसे बड़ी कंपनी है इस सेक्टर की, 45,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है,
करीब 1,30,00,000 के आसपास की इसकी सेल है, करीब 9 के आसपास का पी चल रहा है, डेट इक्विटी रेशियो भी इसका 0.4 के आसपास है। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से ये सबसे बड़ी कंपनी है, 200 रुपये के आसपास का इसका प्राइस है। इसके बाद दूसरी जो कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम नालको जिसे कहते हैं, इसका मार्केट वैल्यूएशन 45,000 के आसपास है, सॉरी 8,000 के आसपास है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी अच्छी खासियत है वो ये है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग है 52% से ज़्यादा। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, डिविडेंड यील्ड, इसकी 12% की डिविडेंड यील्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड है। यानी कि आपको मार्केट में अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में भी अपना पैसा रखेंगे तो आपको 4% मिलता है, यहाँ ये कंपनी आपको 12% का साल का डिविडेंड यील्ड दे रही है, यानी कि इतना आपको डिविडेंड मिल जाएगा 12% का। तो उस हिसाब से इसकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है कंपनी की, इस समय 45-46 रुपये के आसपास का स्टॉक चल रहा है। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है आरफिन इंडिया, आरफिन इंडिया वैल्यूएशन ठीक है, छोटी कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 24 के आसपास का पी है, लेकिन वही है छोटी कंपनी है। तो स्मॉल अगर कैप में आपको इन्वेस्ट करना है तो आरफिन इंडिया ठीक है। इसके अलावा पीजी फॉयल है, यहाँ भी कंपनी की वैल्यूएशन 85-87 के आसपास मार्केट कैप है, तो ये कंपनी भी छोटी कंपनी है बट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मान एल्युमिनियम, ये भी एक छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन इसकी भी बहुत कम है लेकिन इसका पी रेशियो जो है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको देख के आप अब एल्युमिनियम सेक्टर में किस तरीके से प्रोसेस होता है, कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं, उनमें किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे आपको ये समझ में आएगा। आने वाले टाइम में हम आपको इसी तरीके से और सारे सेक्टर्स में भी हम बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए हमारा चैनल टैक्स फॉर वेल्थ। थैंक यू।